Hey guys, I am here to teach you Math is Prime Class 8, Exercise 9.4. I have already taught you Exercise 9.1, 9.2, and 9.3. Here we are going to solve the Exercise 9.4. So, without further delay, let's get started. What is our first question? Our first question is that if a man paid 8,640 for a loan, 8,000 taken for थ्री ट्वेंटी डेज फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बाई द बैंक तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी रुपीज लोन के लिए पे करता है कितना लोन लिया था उसने एट थाउजेंड रुपीज उसने लोन लिया था टेकन फॉर द थ्री ट्वेंटी डेज कितने डेज के लिया था थ्री ट्वेंटी डेज के लिए लिया था तो फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक अब वो पूछ रहा है कि रेट का सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताओ कि कितना बैंक ने चार्ज किया है तो हमने यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट करके रखा है तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ गिवन आर प्रिंसिपल गिवन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमको पता है एट थाउजेंड रुपीज़ दिया मनी पेड बाई मैन कितना मनी पे कितना किया है वो वो मनी पे किया है एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी इट इज़ गिवन ऑन द क्वेश्चन ठीक है ना और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा हमको ये फार्मूला होता है कि अमाउंट में प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा सिक्स हंड्रेड फोर्टी ओके सो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे एट थाउजेंड हमारा प्रिंसिपल था और जो अमाउंट था वो कितना था एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी सो वी विल गेट सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी टाइम इज गिवेन एज थ्री ट्वेंटी डेज थ्री ट्वेंटी डेज अब हमको पता है कि एक ईयर की बात करें तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ टोटल होते हैं वन ईयर में ओके ना और थ्री ट्वेंटी डेज़ की अगर हम बात करें तो थ्री ट्वेंटी डेज़ को टाइम दिया गया अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कहे में ईर्स में जब इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम सिक्सटी फोर अपॉन सेवेंटी थ्री ईयर्स क्या होगा जब इसे अपॉन में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ईयर्स में कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर अपॉन सेवेंटी थ्री ओके फिर बाई यूजिंग फार्मूला वही यूज कर देंगे आर आर इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाइड हंड्रेड अपॉन टी इन टू पी टी क्या होता है टी होता है टाइम पी फॉर होता है प्रिंसिपल ठीक है ना जो फार्मूला होता है बुक में दिया हुआ आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा रेट इक्वल टू का हमको फार्मूला यहाँ पुट अप कर देना है अब एक्चुअल में क्या है कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना करके स्टार कर रखा है तो आपको ये चीज़ देखनी है ठीक है ना आप क्या करना है देखिए सिक्स फोर्टी मल्टीप्लाइड हंड्रेड and multiplied 73 upon 64 multiplied 8000 so when we are going to solve that equation so we will get 9.2 per annum so our answer is here 9.2 9.12 okay now so let's move on to the question number 2 what is our question number is 2 what the question is trying to say calculate the time required for the simple interest earned on 3000 at the rate of 4% annum टू बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एट थाउजेंड एट द रेट ऑफ एट परसेंट पर एन एम फॉर द थ्री ईयर क्या कह रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट को हमको जिसमें से अर्न किया हो थ्री थाउजेंड रुपीज एट द रेट ऑफ कितना फोर परसेंट फिर एन एम टू बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट और जो कि इक्वल है कितने के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ठीक है ना तो एट थाउजेंड एट द रेट ऑफ एट परसेंट पर एन एम फॉर द थ्री ईयर ठीक है ना अब हमको इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन क्या करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ले लेंगे कितना है एट थाउजेंड का एट परसेंट और थ्री ईयर का पहले इसको सॉल्व कर लेंगे ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का तो हमको पता है सीधी सी बात है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बुक में दिया है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड वही हमने यहाँ पुट अप कर दिया है जब हम इसको पुट अप करके सॉल्व करेंगे सो ये कितना आ जाता है सिक्स फोर्टी मल्टीप्लाइड थ्री ठीक है ना आप इसको पुट अप करेंगे ये जहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं उसका मीन्स होता है मल्टीप्लाइड ठीक है ना आपको वहाँ पर मल्टीप्लाइड अप कर देना है तो आपको क्लियरली चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है ना ये हो जाएगा नाइन ट्वेंटी फिर अब क्या करना है इंटरेस्ट ये सॉरी uh, 1920 ये हमारा एक फर्स्ट का आंसर है अब इंटरेस्ट क्या, क्या क्या बोल रहा है वो इंटरेस्ट देखना 3000 एट द 4% इन द एक्स ईयर कितने ईयर में इतना हो रहा है ठीक है ना 920 सॉरी uh, 100 व्हाट आई एम सेइंग 1920 ओके ना सो अगेन बी फॉर्मूला क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स नहीं पता इयर्स नहीं पता हमको ईयर्स निकालना है तो थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाइड एक्स अपॉन हंड्रेड एंड इक्वल टू इस बार कितना कर देंगे वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके सो वेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दट इक्वेशन सो इट बिकम्स थर्टी मल्टीप्लाइड फोर एक्स इक्वल टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके देन इट बिकम्स वन ट्वेंटी मल्टीप्लाइड थर्टी ऑन फोर सो इट बिकम वन ट्वेंटी एक्स इक्वल टू वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टी ट्वेंटी वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इक्वेशन सो इट बिकम वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी तो एक्स इक्वल टू सिक्सटीन ईयर्स यहाँ पे हमारा इसका ईयर्स आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा ठीक है ना अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे वट द क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राइंग टू से राकेश डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक विद द डॉक्यूमेंट Uh, sorry 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 rakes uh, rajesh deposit certain amount in a bank with the becomes three times itself in 16 years find the time required by the same amount to become four times itself at the same rate of interest the interest is not compounded okay nah. वो सीधी सी बोल रहा है आप क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है राजेश जो है वो डिपॉजिट करता, करता है सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता है विथ बिकम थ्री टाइम इट्स सेल्फ इन अ सिक्सटीन ईयर अब वो थ्री टाइम्स हो जाता है सिक्सटीन ईयर्स में ठीक है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई द सेम अमाउंट अब हमको फाइंड करना है टाइम कि अगर सेम अमाउंट वो कितना हो जाए फोर टाइम्स हो जाए तो उस वो कितने ईयर्स में सेम रेट पे कितने परसेंट या कितने इयर्स पे वो उतना हो जाएगा ठीक है ना तो इसको हमको फार्मूला पे देखना है मैं आपको इसको पी डी को जूम कर देता हूं थोड़ा सा पीडीएफ जूम नहीं है तो क्या करना है सबसे पहले हम कितना लेंगे मान लेंगे कि कोई नंबर्स कितना है हंड्रेड है लेट द सम ऑफ मनी प्रिंसिपल बी आर एस हंड्रेड फिर अमाउंट कितना है थ्राइस है उसने बोला है कि अमाउंट थ्राइस है तो ये कितना हो गया थ्री हंड्रेड फिर क्या बोल रहा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये हमारा फार्मूला होता है फार्मूला कितना है अब आप ये सीधी सी बात समझ लीजिए ठीक है ना कि ये इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का तो क्या करेंगे थ्री हंड्रेड एंड माइनस हंड्रेड कर देंगे तो टू हंड्रेड हमारा आ जाएगा अब क्या किस फार्मूले पर रख देंगे अब वही आई इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू पी इं टू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड इसमें पुटअप कर दिया तो आई दिया हुआ है टू हंड्रेड हमको रेट बसा निकालना है ठीक है ना तो हंड्रेड मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड ओके ना फिर ये क्या हो रहा है नेक्स्ट वाले में कितना हो रहा है टू हंड्रेड इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड मल्टीप्लाइड आर अब हंड्रेड में सिक्सटीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है सिक्सटीन हंड्रेड ही आएगा आप ऑन में हंड्रेड आ जाएगा जब इस इक्वेशन को हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आंसर्स आ जाएगा आंसर आ जाएगा रेट आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट अब सेकेंड केस की बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है अमाउंट कितना होना चाहिए फोर टाइम्स है ठीक है ना अब अमाउंट कितना हो जा रहा है फोर टाइम्स हुआ जा रहा है तो इस बार फोर टाइम्स अगर अमाउंट हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे ए माइनस पी आई इक्वल टू ए माइनस पी तो फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड इक्वल टू थ्री हंड्रेड ओके देन टाइम हमको टाइम परसेंटेज निकालना है सीधी सी बात है हमको टाइम अरे सॉरी हमको टाइम ही निकालना है रेट परसेंटेज हमारा दिया हुआ है ठीक है ना ट्वेल्व पॉइंट फाइव हमारा आ चुका है तो पी ए जो है ये हमारा जो पी ए है तो क्या होता है पर एन एम होता है इसका मतलब यह परीयर होता है मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिख रखी हैं जिसलिए अगर मान लीजिए कुछ गलती से छूट भी जाए तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको ठीक है ना इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो यू कैन फाइंड द थिंग्स ईजली यू विल फाइंड द थिंग्स ईजली ऑन द पी डी एफ ओके और यू विल फाइंड दैट पी डी एफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट पी डी एफ ऑफ दैट लेशन सो यू कैन फाइंड इट ईजली ओके ना सो इट बिकम time equal to interest multiplied 100 upon p multiplied r we will put up the values so 300 multiplied 100 upon 100 multiplied 12.5 so we will get 24 years this is the solution of that question okay now now we will move on the question number 4 वॉट इज क्वेश्चन नंबर फोर वॉट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से सुरेखा टुक अ लोन फ्राम द यूसुफ एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट सुरेखा है मैडम है वो क्या करती हैं कि लोन लेती हैं किस रेट पर लेन लेती हैं सिक्स परसेंट पर एन एम पर लेती हैं मतलब ईयरली एस आई ले रहे हैं ठीक ना सी रिटर्न सेवन थाउजेंड टू यूसुफ आफ्टर टू ईयर्स एक्चुअली यहाँ पे डॉलर हो गया है गलती से यहाँ पे डॉलर की जगह रुपीज़ होना चाहिए ठीक है ना चाहे डॉलर हो चाहे रुपीज़ हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इट डजेंट मैटर अलॉट ओके ना बी जस्ट वॉन्ट आर प्रॉपर आंसर ओके ना सो फाइंड द अमाउंट सी टूक टुक अ लोन अब हमको बताना है अमाउंट जो कि वो क्या ले रहा है लोन पे ले रहा है अब इसका एक बार मैं आपको मतलब समझा देता हूँ ठीक है ना सुरेखा टूक अ लोन फ्रॉम द यूसुफ एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट सुरेखा क्या करता है कि यूसुफ से लोन लेता है कितना एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पे एन एम पे ठीक है ना सी रिटर्न सेवन थाउजेंड वो रिटर्न करती है कितना सेवन थाउजेंड टू यूसुफ मतलब यूसुफ को आफ्टर टू ईयर मतलब दो साल के बाद ठीक है फाइन द अमाउंट सी टू एस ए लोन अब हमको बताना है कि अमाउंट का जितना उसने लोन लिया था वह हमको अमाउंट बताना है तो इंटरेस्ट फॉर वन ईयर का कितना है सिक्स परसेंटेज सीधी सी बात है सो इंटरेस्ट टू ईयर का कितना हो जाएगा ट्वेल्व परसेंट ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है यू गाइज नो दैट वेरी वेल ठीक है ना अब फाइन द लोन अमाउंट अब लोन अमाउंट का क्या करना है अब जब टू ईयर का कितना हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेल्व परसेंट ठीक है ना वन हंड्रेड ट्वेल्व हो जाएगा कैसे हो जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ पेमेंट ऑफ लोन पहले क्या था पहले था हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट अब क्या हो रहा है ट्वेल्व परसेंट हो रहा है अब ट्वेल्व परसेंट हो रहा है तो पेमेंट ऑफ़ द लोन इज सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड डॉलर है ठीक है ना तो जो सेवन थाउजेंड डॉलर है तो वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व परसेंट इक्वल टू सेवन थाउजेंड डॉलर है समझ रहे हैं आप मेरी बात को फिर वन परसेंट अब हम क्या करेंगे इसका वन परसेंट निकालेंगे जब हम इसका वन परसेंट निकाल लेंगे तो फिर हम उसका हंड्रेड परसेंट निकाल सकते तो वन परसेंट कितना हो जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो इसका हम जब वन परसेंट निकालेंगे सीधी सी बात है सेवन थाउजेंड को वन हंड्रेड ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो ओके तो हंड्रेड परसेंट कितना हो जाएगा हंड्रेड परसेंट लेने के लिए ले हम क्या करेंगे सिक्सटी टू पॉइंट फाइव में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका हंड्रेड का ठीक है अब ये हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ओके ना ये हमारा आंसर है ठीक है यही तो हमको चाहिए था कि उसने कितना इस क्वेश्चन में हमको यही चाहिए था कि जो आ, सुरेखा है उसने उसके जो मेन अमाउंट है वो कितना मेन अमाउंट हमने यहाँ पे निकाल दिया ठीक है ना सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी अब नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर फाइव ओके व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज करीम टू अ लोन ऑफ आर एस फिफ्टीन हंड्रेड एट द रेट ऑफ़ इंटरेस्ट सेम एज़ द नंबर ऑफ़ ईयर इफ़ ही पेड आर एस थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एज इंटरेस्ट ऐट द एंड ऑफ द लोन पीरियड फाइंड द नंबर ऑफ़ ईयर्स अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में ठीक है ना करीम टू का लोन ऑफ आर एस फिफ्टीन हंड्रेड ऐट द रेट ऑफ इंटरेस्ट करीम भैया हैं एक क्या लेते हैं लोन लेते हैं ठीक है, है ना फिफ्टीन हंड्रेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ़ इंटरेस्ट सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स मतलब उतने परसेंट ही इनकी इंटरेस्ट भी है जितने ईयर के लिए वो ले रहे हैं ठीक है ना इफ़ द पेड आर एस थ्री हंड्रेड सेवनटी फाइव इफ़ ही पेड आर एस थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव वो पे करते हैं कितना थ्री हंड्रेड सेवनटी फाइव ऐसा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन लोन के एंड में वो कितना पे करता है थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है ना पीरियड फाइंड द नंबर ऑफ ईयर अब हमको नंबर्स ऑफ ईयस निकालने हैं चाहे हमको परसेंटेज अगर नंबर्स ऑफ ईयर्स आ जाएंगे तो हमको ईयर्स भी आ जाएगा ठीक है ना तो हम सिंपल सा फार्मूला अपना वही पीटर पुट अप कर देंगे पी पी इक्वल टू कितना दिया फिफ्टीन हंड्रेड आर इक्वल टू दिया हुआ एक्स परसेंटेज टी इक्वल टू दिया है एक्स ईयर हमको पता ही नहीं है वो दोनों सेम है आर और टी दोनों इक्वल हैं ठीक है ना सो वी विल पुट अप द आवर फार्मूला ईयर ओके ना so SI how much it is given it is given 375 RS okay now so SI equal to P into R into T upon 100 this is the formula we will put up the value over it so uh, SI is given 375 then 1500 principal is given then X X what is X X is a time and X is also a years okay now so 1500 multiplied X multiplied X upon 100 then we are going to solve that equation so we will get uh, 375 upon 15 so and it becomes x square ok x square equal to 25 when we going to be when we solve the whole equation now so we will get x square equal to 25 so x equal to 5 so rate is also 5% and time is also 5% ok now we will move on the question number 6 what will be the compound interest on the 5000 if इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द वन ईयर सिक्स मंथ एट द एट परसेंट पर एनम क्या बोल रहा है वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फाइव थाउजेंड क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा किस पे फाइव थाउजेंड पे इफ़ द कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द वन ईयर सिक्स मंथ एट द दाइव एट द एट परसेंट पर एनम ठीक है तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जैसे कोई भी चीज़ अगर हाफ़ ईयरली दिया हुआ है ना ये आपको सीखना पड़ेगा ठीक है ना ये इंटरेस्ट वाला एक ये फॉर्मूला होता है कि जैसे अगर हाफ़ ईयरली कोई चीज़ दी हुई है तो आप क्या करेंगे कि ईयर्स को डबल कर देंगे और जो रेट है उसको हाफ कर देंगे ठीक है ना यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ हाफ ईयरली में दी हुई है तो क्या करेंगे हम ईयर को डबल्स कर देते हैं और जो परसेंटेज होता है उसको क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना है प्रिंसिपल है हमारा फाइव थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट को देख लेना जाके फोर परसेंट हो जाएगी मैं तुमको बता दे रहा हूँ सीधी सी बात है अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते जैसे मैं दिया हुआ हूँ तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं देखो ये यहाँ पर टू का इसने डिवाइड कर रखा है मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ सीधे आप हाफ़ करके कर सकते हैं ठीक है ना फिर ये कितना हो जाएगा थ्री अपॉन टू हो जाएगा मतलब वो जैसे ये वन ये था अभी वन ऑफ पॉइंट टू मतलब वन ईयर सिक्स मंथ था तो फिर ये कितना हो जाएगा थ्री ओ पॉइंट टू इसमें सीधे डबल का मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है ना अभी टू का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो टू से टू कट जाएगा और ये हाफ के लिए देखो यहाँ पे नीचे टू हंड्रेड दिया हुआ है जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी वन प्लस आर बटे हंड्रेड मल्टीप्लाई एन ठीक है ना तो हम इस फार्मूले में इसको पुटअप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना फाइव था फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव थाउजेंड वन प्लस एट अपॉन टू हंड्रेड ये टू हंड्रेड क्यों कर दिया है क्योंकि जो मैंने बताया कि आपको क्या करते हैं रेट को हाफ़ करते हैं तो रेट को हाफ़ ये कर देगा ठीक है ना जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये फोर अपॉन हंड्रेड ही आ जाएगा ठीक है ना और ये कितना हो जाएगा टू का इसने देखो एक्स्ट्रा पे मल्टीप्लाई कर रखा है ठीक है ना तो ये टू का मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा तो ये थ्री ईयर्स हो जाएगा ठीक है ना अब हमारा इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव थाउजेंड एंड वन पॉइंट जीरो फोर की पावर थ्री अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा मतलब इसको इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं अगर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इतना हमारा आंसर आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे सी आई निकालने के लिए जो फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री टू है उसमें क्या कर देंगे फाइव थाउजेंड को माइनस कर देंगे तो हमारी सी आई आ जाएगी कितनी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री टू ओके ना आई होप सो यू गाइज लाइक द वीडियो अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मैं इससे रिलेटेड हर चैप्टर्स के वीडियो आपको डालता रहूँगा जैसे अभी नाइन चैप्टर के वीडियोस चल रहे हैं वैसे मैं सारे चैप्टर्स के मैथिस प्राइम के जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको इसमें डालता रहूँगा सो so, तब तक के लिए बाय बाय गाइज